एक्सक्यूज मी भाई बिल ले आए। ठीक है भाई बिल आता है और इनसे निगोशिएशन करते हैं भाई बिल बिल देने के कितने तरीके हैं इनके पास, मतलब कितने कितने जैसे कैसे तरीके से ले सकते हैं। हाँ हाँ कैसे कैसे तरीके से ले सकते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब भी गर्मी से तप रहे होंगे। हालत देख सकते हो मेरी, बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा वाहियात हालत है गर्मी की वजह से। हमारी एक बहुत बुरी आदत ये बन चुकी है कि हम कहीं भी जाते हैं हम कंघी वंगी नहीं करते, बस मुँह हाथ धोते हैं, बस चलते हैं। क्यों, क्या हुई? मैं गया था जरा बच्चों को स्कूल से पिक करने, ठीक है, घर लाना था। उधर क्या हुआ, मेरे साथ क्या सीन हुआ, मैंने गाड़ी रोड पे खड़ी कर दी, ठीक है, ट्रैफिक वाले ने मेरी गाड़ी उठा के फुटपाथ पे खड़ी कर दी। मैं जब निकला हूँ स्कूल से बच्चों के और उनको साथ लेके, मैंने कहा यार गाड़ी कहाँ है, गाड़ी तो गए, बस पता लग गया था मुझे कि फुटपाथ पे खड़ी हुई है। जब देखा उधर खड़ी थी, फिर ट्रैफिक वाले नहीं मिल रहे थे और मैं चाह भी नहीं रहा था कि वो मिले, तो फिर मैंने क्या जुगाड़ किया, वो जो फुटपाथ के ईंटे रखे होते ना, वो ईंटे वैसे ही पड़े हुए थे, वो मैंने उठा के फुटपाथ के और रोड के लेवल के साथ कर दिए। और दो बंदे भी आए, अच्छे बंदे थे, जिन्होंने हेल्प किया, तो फिर गाड़ी फुटपाथ से हमने ऐसे ही नीचे की है। उनको बुलाया नहीं है क्योंकि अगर उनको बुलाते 500 600 700 1000 रुपये 1500 रुपये तो कहीं नहीं जाने थे। इसलिए अच्छा यही है कि भाई खुद ही जुगाड़ करके नीचे कर लिया करो। अभी का क्या सीन है इसके बाद, अभी मैं नहाता हूँ, थोड़ा ठीक भी होता हूँ, अपना हालत ठीक करता हूँ, फिर प्लान करते हैं HBK की तरफ चलते हैं, हमारा कुछ काम है वहाँ पे, तो वो भी करते हैं और देखते हैं दोस्तों के साथ भी कोई छिलविल करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो गाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई साहब, गाड़ी चेक करो कितनी गंदी हो चुकी है। और भाई हमारे साथ है जीशान द ग्रेट, हमारे साथ है मुबशर द ग्रेट, और ये है अदील द ग्रेट, और ये है हम द ग्रेट। तो अभी जो है अभी हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भाई? चीजेस जा रहे हैं और हम जीशान से ट्रीट खाने लगे हैं, ठीक है, देखते हैं कि ये कितना सखी है, हम पे क्या खिलाता है। बाकी दोस्तों पे तो बहुत खर्चे करता है, 7000 8000, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, और हमें एक रुपए भी नहीं देता, हमें एक रुपए भी नहीं देता यार। क्या आज मैंने से कहे यार, आज तुमने मुझे खिलाना है जो भी हो जाए यार। चलते हैं उधर, देखते हैं ये हमें क्या खिलाता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक दो और काम भी है वो भी करते हैं। वी आर हेयर एट चीजियस, ड्रेको हमने पार कर दिया, चीजियस जाते हैं, वो टोयो एक टाइटो है, वो हमारे वक्त से बाहर है, टाइटो सही है, वो ये जो तैयार होके आए ना इसके वक्त का, देख ओ हो, निशान की ड्रेसिंग दिखाते हैं आपको। बाकी मड़ा यार, हम सब तो ख्वार आए हुए, ये देख ये भी ख्वार है, सिर्फ यही तैयार हो के है। चुप कर बे कुत्ते। भाई हम लोग इधर आए TCS और अभी हम वेटिंग रूम में हैं। भाई HBK में भी हमारा कोई काम है और उधर जो है हम अभी, नहीं 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 सबर करो ना, सबर करो ना, ये जो जीशान हमारे साथ आया है, हम उधर जाएंगे ना, ये हाँ तुमने सुनत कराई है ना, ये अभी सुनत हुए दोबारा। खैर अभी उधर हम जाएंगे, अभी हम जाएंगे तो उधर ड्राइव थ्रू पे जाएंगे, हमें ये आइसक्रीम भी खिलाया गया इसके बाद। इतना तैयार हो गया है यार, कुछ तो ट्रीट बनता है ना इस तैयार होने का। और वो अगर आपको दिख रही है ना, ये हमारी ड्रेको रही है यार, अगर इसका ये जो ऊपर ये इस तरह इतना ये जो है ये पूरा ब्लैक कर दूं मैं, मजा आएगा कि नहीं आएगा। वाह, टू बेस्टीज, क्या नाम है, पेशावर मॉडल के जो पेशावर मॉडल की दोस्ती है वो एक साथ हो गई है।
हमें जगह मिल गई है फाइनली, और अब देखते हैं ऑर्डर करते हैं। चलो भाई मेन्यू आ गया और अब एक ईशान को दो हम चेक करते हैं फिर जो क्योंकि बिल तो उसने पे करना है। हमने जो है वो डील 1-2 की है ना, सही है, और वो जो है वो पिज्जा की है, एक चिकन फजीता, एक चिकन टिक्का, तो स्मॉल स्मॉल, ठीक है बस। बाकी इसके अलावा बाकी ये है कि अगर बिल का कोई दूसरा तरीका है ना, कोई बर्तन धोने वाला इस तरह कोई दूसरा तरीका है या कोई और तरीका है तो वो इस बंदे को बता सकते हैं आप, ठीक है, वो ये पे कर देगा। इससे अगर बर्तन धुलवाने हो, ठीक है, तो इससे बस हम आपको छोड़ देंगे इसको। मैनेजर के बस ठीक है, मैनेजर का काम ले ले, हमें तो क्या धोएगा यार। कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए 7-Up कर दो, 2 7-Up और इसके लिए भी 7-Up कर दो, इसके लिए भी 7-Up करो, ठीक है। ऑर्डर में आपको सेट 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू भाई। ऑर्डर आ रहे हैं और बर्तन धोने के लिए ज़ीशान तैयार है। हेलो हमारे ड्रिंक आ गए भाई, मुझसे तो नहीं रहा जाता। हम ड्रिंक ही पी लेते हैं जब तक खाना नहीं आता भाई। ये देखो, ये हमारे साथ मैनेजर आया है, और ये भी देखो और इसको भी देखो और मेरी हालत भी देख सकते हो तुम लोग। मैं तो वो गरीब रखा हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूं। मैं भी एक गरीब हूँ, सही है, ये भी गरीब आया हुआ है, ये भी गरीब आया। डील पे रोड पे देंगे सफर को। ये जो है ना, ये इन बंदों को भी लग रहा था कि ये जो है ना, ये मैनेजर है। देख ये आपको पता है, ये अपनी चेन ब्रेसलेट होता है क्या, वो जो हाथ में पहनते हैं, वो ये घर से पहन के आया था, वो सोने की चेन थी। और ये देखे आप, ये आप गोल्ड का आईफोन है, गोल्ड सही है, गोल्ड प्लेटेड है, तकरीबन 2-3 लाख का तो ये है, चेन हो गया उसके साथ गोल्ड का, वो हमने गाड़ी में रखा हुआ है, काले गोल्ड का धागा पहना हुआ है। हाँ तो चाहिए तो ये कि खर्चा ये करें ना, हम ट्रीट लेंगे। हम आज लोग हैं यार, हम देख किस हालत में आए हम, देखो बस ठीक है। तो भाई आज हमें ये मैनेजर साहब भी खिलाएगा, तो गेम बजाना पड़ेगा भाई अपन का। ओ वाओ कितना क्यूट सा पिज्जा आया है ये, इसके कहने पे हमने ये क्यूट सा पिज्जा मंगवाया है। खैर ये हो गए, हाँ प्राइस हो गए भाई, अब प्राइस खाते हैं। यार VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है यार, थैंक यू। बर्गर चेक करो, बर्गर ये भाई ये तू ले ले भाई, ये छोटे दो स्माल, एक चिकन फजीता, एक वो फजीता है, और ये चिकन टिक्का है शायद, आएगा क्या। वाओ अंदर क्या डाले, वाओ नाइस। चलो अब ये डालते हैं क्या, छोड़ो खुदा के मारो यार प्लेटों में ओ अबे ये कांड हो गया मुझसे भाई इसको कहते हैं, मुझे तो और इंतजार नहीं हो रहा, मैं तुम लोगों के सामने नहीं कह सकता क्योंकि मुझे तुम लोगों का बहुत फिक्र है, ठीक है, मेरा टोन मेंटा फ्रेश वाला हो गया, ठीक है, मैं जल्दी खाता हूँ, ये फिर बात करते हैं भाई, और कुछ नहीं। अहमद कैसा है टेस्ट में, बेस्ट है, मजेदार। वो तो स्नैप बना रहे हैं, और ये निशान हमारा, निशान टेस्ट कैसे है, भाई अब इसको खाते हैं, ये वाला नहीं, दूसरा।
इसको जरा तमीज से खाते हैं। ये इस फॉक्स है और ये जो चाड़ी है छुरी है उससे खाते हैं। भाई ये मेरा क्लास है यार। ये आपने हमारे लिए किया है मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। ओ यार थैंक यू स्पेशली हमारे लिए किया। ओ ये कैसे पी रहे है? बस यार मैंने पी लिया भाई, खाना मजे का था, सब कुछ मजे का था। देखो किस तरह खाई, ये इसका भी मैंने खा लिया है इसका। और बिल तो देना नहीं पड़ेगा मेरा खाना। अच्छा वो जो बचा कुछ था वो मैंने खाया है। अभी देखते हैं बिल मंगवाते हैं। ये इतना तैयार हो क्या है, वो बंदा भी कह रहे हैं मैनेजर की तरह लग रहा है। सही है तो यार, फिर मैनेजर की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना इसमें, जरा भी क्वालिटी नहीं है। बंदे की शर्ट पहन के आया हूं। बाबू माले की शर्ट पहन के आया हूं। पहन के क्यों बाबू माले की शर्ट पहन के? बाबू माले की शर्ट पहन के आया है। और ये बाबू माले की ये ट्राउजर है। 150-150 रुपए की। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बूट जो है ना ये खैर ये बूट नहीं, दो रुपए ये बूट इसने जो है वो कबाड़ से लिए, लेकिन कबाड़ में भी वो जो इम्पोर्टेड होते हैं वो हाई क्वालिटी बूट लिए। मेरे ख्याल से 1500 रुपए की, 2 रुपए नहीं 1500 रुपए के पता है मुझे। एक्सक्यूज़ मी भाई, बिल लिया ठीक है भाई। बिल आता है और इनसे नेगोशिएशन करते हैं भाई, बिल बिल देने के कितने तरीके हैं इनके पास, मतलब कितने कितने जैसे कैसे कैसे तरीके से ले सकते हैं। हाँ कैसे कैसे तरीके से ले सकते हैं। वैसे तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं कि इनके पास इजी पैसा भी है, जैस कैश भी है, बर्तन धोने एक और ऑप्शन भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यही दे सकता है उनको। चुप कर बे कुत्ते। भाई भाई साहब 3,480 अभी मेरे पास तो जेब ही नहीं है, मैं तो पैसे नहीं लाए भाई। हमारा काम था, हम फिश बोनलेस लेके जा रहे हैं इधर से 2 किलो का। हाँ तो ये हाँ बोनेक्स दी, ये आप लोग भी इस्तेमाल करो, आपकी हड्डियाँ जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होंगी मुझे पता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना भाई। घर हम लोग आ गए थे ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई हम ज़ीशान से सिर्फ खाएंगे, वो मैं मजाक कर रहा था। और ज़ीशान को मैंने बहुत तंग किया है, हमने कंट्रीब्यूशन किया सब ने दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी अगर तुम लोग भी अगर दोस्तों के साथ जाते हो तो भाई साहब आप अमेरिकन सिस्टम कर रहे हैं, सर्कुलेशन मतलब पूरा बिल आए सब पे डिवाइड करोगे कितना कितना आया बस सब दो ठीक है यार। ये गैदरिंग काफ़ी होता है यार, दोस्तों का इकट्ठा होना काफ़ी होता है ठीक है। तुम लोगों ये बातें तो कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता ना मैं इसको फॉलो नहीं करता। अब दोस्तों में होता हूँ तो फिर फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर दोस्तों में ना हो कोई कजन्स गैदरिंग हो इस तरह तो फिर मैं फॉलो नहीं करता।